हंगरी अपनी आधुनिक 1946 के बाद सीमाओं में मोटे तौर पर मध्य यूरोप में ग्रेट हंगरी मैदान पैनोनियन बेसिन के अनुरूप है। लौह युग के दौरान ये सिथियन जनजातियों जैसे अगाथिरसी, सिमरियन केल्टिक जनजातियों जैसे स्कोडिसी, बोई और वेनेटी, डालमेशियन जनजातियों जैसे डालमाटे, हिस्ट्री और लिबनी और जर्मनिक जनजातियों जैसे लुगी, मार्कोमनी के सांस्कृतिक क्षेत्रों के बीच चौराहे पर स्थित था। 44 ईसा पूर्व में सर मार्टियन इस एज ग्रेट हंगरी मैदान में चले गए। 8 ईस्वी में आधुनिक हंगरी के क्षेत्र तथा कथित ट्रांसडानुबिया का पश्चिमी भाग रोमन साम्राज्य के एक प्रांत पन्नोनिया का हिस्सा बना। 370-410 के हूण आक्रमणों के साथ रोमन नियंत्रण रह गया। हूणों ने वर्तमान हंगरी में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य बनाया। अत्तिला की मृत्यु के बाद साम्राज्य 455 में ढह गया और पन्नोनिया ऑस्ट्रोगोथिक साम्राज्य का हिस्सा बन गया। कार्पथियन बेसिन के पश्चिमी भाग पर लोंगोबार्ड्स और पूर्वी भाग पर गेपिड्स का कब्जा था। 567 में अवोज ने गेपिड्स द्वारा शासित क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 568 में लोंगोबार्ड्स ट्रांसडानुबिया से इटली चले गए और अवोज ने भी उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। खगन वयानाई ने अवार खगनेट की स्थापना की। अवोज को फ्रांक्स और बुल्गारों ने हराया और उनका स्टेपी साम्राज्य 822 के आसपास समाप्त हो गया। हंगरी ने 862 और 895 के बीच कार्पथियन बेसिन पर कब्जा कर लिया और 9वीं शताब्दी के अंत में अल्मोस और उसके बेटे अरपाद द्वारा कार्पथियन बेसिन पर विजय प्राप्त करके हंगरी की रियासत की स्थापना की गई। हंगरी ने 907 में प्रेसबर्ग की लड़ाई में इस क्षेत्र को सुरक्षित किया। हंगरी के ईसाई साम्राज्य की स्थापना 1000 में राजा सेंट स्टीफन के नेतृत्व में की गई थी, जिस पर अगली 3 शताब्दियों तक अरपाद राजवंश का शासन था। उच्च मध्ययुगीन काल में राज्य एड्रियाटिक तट तक फैल गया और 1102 में क्रोएशिया के साथ एक व्यक्तिगत संघ में प्रवेश किया। 1241 में बटू खान के नेतृत्व में मंगोलों ने हंगरी पर आक्रमण किया। हंगरी का मध्ययुगीन साम्राज्य एक यूरोपीय शक्ति थी। ओटोमन युद्धों की एक लंबी अवधि के बाद हंगरी की सेना मुहाक्स की लड़ाई में पराजित हुई और 1541 में इसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया गया, जिससे लगभग 150 साल की लंबी अवधि की शुरुआत हुई जब देश 3 भागों में विभाजित था। रॉयल हंगरी जो हैब्सबर्ग के प्रति वफादार था, ओटोमन हंगरी और काफी हद तक स्वतंत्र ट्रांसिल्वेनिया रियासत। पुनः एकीकृत हंगरी 18वीं सदी के अंत में हैब्सबर्ग शासन के अधीन आ गया। 1703-1711 में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और 1848-1849 में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जब तक कि एक समझौते ने 1867 में ऑस्ट्रो हंगेरियन राजशाही के गठन की अनुमति नहीं दी, जो 20वीं सदी की शुरुआत में एक प्रमुख शक्ति थी। 1868 के क्रोएशियाई हंगेरियन समझौते प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी का पतन हो गया और उसके बाद 1920 में ट्रायोन की संधि ने हंगरी की वर्तमान सीमाओं को स्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप इसके ऐतिहासिक क्षेत्र का 72%, इसकी आबादी का 58% और इसके जातीय हंगरी के 32% लोग खो गए। हंगरी साम्राज्य का 2/3 क्षेत्र चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया साम्राज्य, सर्ब, क्रोएट और स्लोवेनिया के साम्राज्य, प्रथम ऑस्ट्रियाई गणराज्य, द्वितीय पोलिश गणराज्य और इटली साम्राज्य को सौंप दिया गया था। एक अल्पकालिक पीपुल्स रिपब्लिक की घोषणा की गई थी। इसके बाद हंगरी के एक बहाल साम्राज्य का शासन हुआ, लेकिन इसे एक रीजेंट मिक्लोस होर्थी द्वारा शासित किया गया। उन्होंने आधिकारिक तौर पर हंगरी के अपोस्टोलिक राजा चार्ल्स इव की हंगरी राजशाही का प्रतिनिधित्व किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हंगरी की वर्तमान सीमाओं के भीतर समाजवादी पीपुल्स रिपब्लिक के रूप में दूसरा हंगरी गणराज्य स्थापित किया गया था, जो 1949 से लेकर 1989 में हंगरी में साम्यवाद के अंत तक चला। हंगरी का तीसरा गणराज्य 1949 के संविधान के संशोधित संस्करण के तहत स्थापित किया गया था, जिसमें 2011 में एक नया संविधान अपनाया गया था। हंगरी 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल हो गया। प्रारंभिक इतिहास मध्य पुरापाषाण काल में होमो हेडलबर्गेंसिस की मौजूदगी का प्रमाण सामू जीवाश्म की खोज से मिलता है, जो लगभग 300 साल पहले का है, जिसमें 500 साल पहले के निवास के निशान हैं। शारीरिक रूप से आधुनिक मनुष्यों की उपस्थिति लगभग 33,000 साल पहले और इग्नेशियन की है। नवपाषाण काल की शुरुआत स्टार सेवो कोरोस्क्रिस संस्कृति से हुई, लगभग 6000 ईसा पूर्व।